हाय शुभम, हाय रोहन, ये कौन सी जगह है? पता नहीं भाई, पर लगता है कि यहाँ कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेटा। हेलो रोहन एंड शुभम, ये मैं कैसे जानता है? आई एम मिस्टर एक्स एंड आई नोज एवरीथिंग। पर ये कौन सी जगह है? ये डेटा का वर्ल्ड है। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आ रहे हैं? ये हर रोज की बात है। ये हैकर्स तुम्हारी परमिशन से एंटर करते हैं और डेटा चोरी करते हैं। लेकिन हमने टू परमिशन नहीं दी। तुम लोग बिना प्राइवेसी पॉलिसी पर परमिशन देते हो, फिर उसके बाद डेवलपर्स तुम्हारा डेटा चोरी करते हैं और बाद में उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। और ये डेटा अलग अलग कंपनी को भी बेचा जाता है। ओ टू ठीक है, पर कुछ हैकर हमारे परमिशन के बिना हमारे डेटा में एंटर कर रहे हैं, उसका क्या? ओ टू तुम लोग अपने अकाउंट का पासवर्ड इतना इजी रखते हो कि कोई भी गेस करके एंटर कर जाते हैं। बहुत से लोग 123 1234 पासवर्ड आई लव यू ऐसे पासवर्ड रखते हैं, फिर डेटा तो चोरी होगा ही। पर कभी कभी हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तभी भी डेटा कैसे चोरी होता है? हाँ, कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो मजी के लिए वायरस और मैलवेयर सेंड करते हैं और उसके बाद लिंक पे क्लिक करवाते ही हमारा डिवाइस करप्ट हो जाता है और डेटा भी चोरी हो जाता है। ओ अच्छा, इसीलिए कभी कभी बैंक से हमारे परमिशन के बिना पैसे निकाले जाते हैं। हाँ, और तू तुम लोग उन हैकर के जाल में आकर अपना बैंक डिटेल ओटीपी पासवर्ड देते हो और हैकर्स इसका फायदा उठा के तुम्हारी अकाउंट में से पैसे निकालने में सफल हो जाते हैं। तो क्या सारे हैकर्स बुरे होते हैं? सब बुरे नहीं होते, हैकर्स 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को तकलीफ देने के लिए या फिर खुद के किसी स्वार्थ के लिए काम करता है। व्हाइट हैट हैकर्स ऑर्गेनाइजेशन को बता कि उनके सिस्टम में जो कमियां है वो जानने के लिए हैक करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स सिर्फ मस्ती के लिए दूसरों को परेशान ना करते हुए हैकिंग करते हैं। और बहुत से हैकर्स टू गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं। पर हम हमारे डेटा को इन बुरी हैकर्स से कैसे बचा सकते हैं? आपको अपनी कोई भी अकाउंट की डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने अकाउंट का पासवर्ड कैरेक्टर्स, नंबर और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। आपको फ्रॉड कॉल से बचना चाहिए। किसी को भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। हमें डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? हमें कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज करते हो तो कोई भी पासवर्ड रिलेटेड प्रोसेस नहीं करनी चाहिए। किसी भी वेबसाइट को विजिट करते वक्त उसकी सिक्योरिटी चेक करें और कोई भी ऐप डाउनलोड करते वक्त या कोई अकाउंट ओपन करते वक्त उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़े। तो हम अपनी मोबाइल एप्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? आप अपने फोन का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी ऑन करें, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें जिससे ऐप की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। हाँ, हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह इन्फॉर्मेशन हमें अपने जीवन में बहुत काम आएगी। ओ, मैं तू सपना देख रहा था, पर इस सपने ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर हो गया। मुझे इस सपने के बारे में शुभम को बताना चाहिए और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी दूसरों को अवेयर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।